हेलो फ्रेंड्स, लेडीज़ क्रेज चैनल में आप सबको स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंपल ब्लाउज बैकनी की कटिंग। इस तरह का सारे है, दो कलर है, बॉर्डर बड़ा है, इसलिए हम दोनों अलग कलर की फैब्रिक को यूज़ करके बैकनी को डिज़ाइन करेंगे। इसलिए मैंने दो अलग कलर का लाइनिंग कपड़े भी लिया है। पहले हम मेन पेपर के ऊपर मार्किंग और कटिंग करेंगे। लेंथ हमें रेडी करना है 14 इंचेस, 1 इंच ऐड कर दिया है सिलाई मार्जिन के लिए। इसके बाद चेस्ट है 34 इंचेस, इसका चौथा भाग हुआ 8.5 इंचेस, 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। टोटली मैंने चेस्ट साइज़ को 10.5 इंच पे मार्क कर दिया है। इसके बाद शोल्डर है 6 इंचेस, आर्मोल की लेंथ है 5.5 इंचेस, इसको बॉक्स बना लेंगे। 1.5 इंच पे बैक आर्मोल को राउंड शेप दे देंगे। अभी हम इसको कट करेंगे। सिर्फ मैंने आर्मोल को कट किया है। इसके बाद फोल्डेड साइड से हम नेक की विड्थ को मार्क करेंगे 2.75 इंच पे, और 10 इंच बैक नेक की लेंथ है। और नीचे की साइड मैंने विड्थ में 1/2 इंच ज़्यादा कर दिया है, शेप अच्छे बनते हैं इसलिए। इसको हम राउंड शेप बना लिया है। अभी हम इसको नेक पार्ट को कटेंगे। इसके बाद पेपर को इस तरह ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद बैक नेक के लिए इस तरह मार्क करेंगे। क्योंकि हम डबल कलर फैब्रिक को यूज़ करके इस बैक नेक को डिज़ाइन कर रहे हैं। पहले मैं येलो कलर का फैब्रिक लिया है, लाइनिंग कपड़ा लिया है, सिंगल लेयर में रख दिया है। पहले हम बैक पार्ट की लेफ्ट साइड को कट करेंगे। लेफ्ट साइड के लिए मैंने इस फैब्रिक को कट कर रही हूँ। इसके ऊपर मैंने पेपर की बड़ा पार्ट को रख दिया है और इस तरह शेप बना लिया है मार्क करके। अभी हम इसको कट करेंगे। आप किसी भी कलर को किसी भी साइड बना सकते हो। मैं येलो कलर फैब्रिक को लेफ्ट साइड यूज़ कर रही हूँ और ब्लू कलर फैब्रिक को राइट साइड में यूज़ कर रही हूँ। इस तरह कट करने के बाद इसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और मेन फैब्रिक को भी कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग कपड़े को रख दिया है। अभी हम इसको लेफ्ट साइड के लिए कट कर रहे हैं, बैक नेक की लेफ्ट साइड को कट कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह मैंने मेन फैब्रिक को भी कट कर दिया है। इसके बाद मैंने लिया है ब्लू कलर का लाइनिंग कपड़ा। राइट साइड के लिए इस फैब्रिक को कट करेंगे हम। ये देखिए, इस तरह उल्टा रख दिया है मैंने लाइनिंग कपड़े को। अभी हम इसको मार्क करेंगे। पहले हम लेफ्ट साइड के लिए कट कर दिया है, अभी हम इसको राइट साइड के लिए कट करेंगे। इसके बाद ब्लू पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और राइट साइड के लिए कट करेंगे। पहले हम लेफ्ट साइड को कट कर दिया है येलो कलर में, अभी हम लेफ्ट राइट साइड के लिए कट करेंगे। अब किसी भी कलर को किसी भी साइड यूज कर सकते हो। मैं येलो कलर को लेफ्ट साइड में और ब्लू कलर को राइट साइड में यूज कर रही हूँ। अभी कटिंग पूरा हो चुका है, स्टिचिंग शुरू करेंगे। ये देखिए, लाइनिंग कपड़े और मेन फैब्रिक दोनों को अच्छे से जोड़ के रख दिया है मैंने। पिंस भी डाल दिया है मैंने सेफ के लिए। पहले हम चारों तरफ बड़े बड़े स्टिचेस डाल देंगे, नहीं तो आपको स्टिच करने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए चारों तरफ हमें स्टिच करना है मेन फैब्रिक और लाइनिंग कपड़े दोनों को अच्छे से जोड़ के। चारों तरफ हमें स्टिच डालना है, बड़े बड़े स्टिचेस डालना है। ये रेगुलर साड़ी है, सिंपल साड़ी है। सिंपल साड़ी में हम इस तरह का ब्लाउज डिज़ाइन को स्टिच कर रहे हैं।
एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम करेंगे, मेन फैब्रिक के एक्स्ट्रा पार्ट को। इसके बाद मैंने येलो कलर फैब्रिक लिया है, सेम इसी तरह हम चारों तरफ स्टिचेस डाल देंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे। सेम इसी तरह मैंने लेफ्ट पार्ट को भी रेडी करके रख दिया है। इसके बाद हम अपोजिट कलर को यूज़ करके पाइपिंग बना लेंगे। येलो कलर में ब्लू कलर का पाइपिंग करेंगे और ब्लू कलर में येलो कलर का पाइपिंग करेंगे। मैंने पाइपिंग बना लिया है। इसके बाद इसके ऊपर पेपर कटिंग की छोटे पार्ट को इस तरह जोड़ के रखेंगे और मार्क करेंगे कहाँ पे हमें दोनों को जोड़ना है। इसके ऊपर येलो पार्ट को रखेंगे और दोनों को जोड़ के स्टिचेस डाल देंगे। आप किसी भी पार्ट को ऊपर नीचे कर सकते हो। मैंने येलो पार्ट को ऊपर कर दिया है और ब्लू पार्ट को नीचे कर दिया है। आप चाहे तो राइट पार्ट को ऊपर कर सकते हो। दोनों साइड हमें इस तरह टक्स लेना है, बैक टक्स देना है। शोल्डर की सेंटर पे फोल्ड करेंगे और 4 से 4.5 इंच तक मैंने टक्स ले लिया है। इसके बाद नीचे की साइड एक लाइन स्टिचेस डाल देंगे। अभी हमें ब्लाउज की बैक पट्टी को अटैच करना है नीचे फिनिशिंग के लिए। इस पट्टी को अटैच करने के बाद ब्लाउज की बैक नेक पूरी तरह से रेडी हो जाएगी।